Another very beautiful village surrounded by western ghats मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है. This location is coming under Kamshet region. तो मैं आज आ चुका हूँ उकसान village में और village के पास में ही ये lake है and it is getting sunset. पंछियों की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन. तो आज का सफ़र बहुत ही छोटा एक सफ़र होने वाला है. आई जस्ट एंटर्ड इनटू द उकसान विलेज. इट्स अनदर विलेज, अनदर वेरी ब्यूटीफुल विलेज सराउंडेड बाय वेस्टर्न घाट्स मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है. एंड दिस पर्टिकुलर विलेज इज कमिंग अंडर द मावल तालुका. और मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले दिखाया कि कामशेद वाटरफॉल स्पॉट जो है वहाँ से क्रॉस करके थोड़ा मैं आगे आ चुका हूँ. तो बिहाइंड मी यू कैन सी द वेरी स्मॉल उकसान विलेज. सम ऑफ द हाउसेज आर ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन्स और दूर दूर में थोड़ा मुझे छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, गांव के घर, और ऊपर एक दो रिसोर्ट भी दिख रहे हैं. Be with us, so we will head towards Uksan Lake and try to find what beautiful areas we can cover there. So, चलिए मेरे साथ. I wanna take you out, show you the time of your life. I wanna figure out what it takes to give you everything you desire. I wanna lay beneath the stars with you in the back of my truck. I guess that this is what they call love. हेलो एवरीवन, तो मैं अभी एग्जैक्टली उकसान गांव पे खड़ा हूँ और मेरे पीछे आपको दिख रहा है बहुत ही छोटे से एक गांव, छोटे छोटे घर, एक दो मंदिर यहाँ पे, और इस तरफ है कि उकसान ग्राम पंचायत कार्यालय. तो मैं एक्चुअली थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे उतरा हूँ. मेरे सामने एक्चुअली उकसान लेक दिखाई दे रहे हैं एंड इट इज़ गेटिंग सनसेट. पंछियों की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है. तो ये जो रोड है एक्चुअली उकसान गांव के सामने ही ये रोड है और उस तरफ उकसान लेक मुझे दिखाई दे रहा है. तो मैं एक्चुअली अभी थोड़ा गाड़ी को पार्क करके गाँव लेक तक जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और ये मेरे सामने उकसान लेक.
एंड दिस प्लेस इज एग्जैक्टली अराउंड 1 hour ड्राइव फ्रॉम पुणे एंड प्रोबेबली 3 hours ड्राइव फ्रॉम मुंबई. लेक इज बेसिकली द बैक वाटर साइड ऑफ द उक्सान डैम. तो काफ़ी पानी यहाँ पे भर गया है. तो वी आर नॉट अलाउड टू गो अप टू द वाटर फ्रंट. पर जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि बड़े बड़े पेड़ भी पानी के अंदर डूब चुके हैं बेसिकली. और पीछे मेरे उस तरफ उक्सान डैम दिखाई देते हैं. तो आप अगर किसी एक दिन प्लान करते हो जम्बावली कुंडेश्वर के लिए, तो जो कामशेद कुंडली रोड है उसी रोड से आप जाओगे तो डैम की उस तरफ से हमें व्यू देखने को मिलता है. और मैंने कुंडेश्वर जम्बावली ब्लॉक में आपको थोड़ा बहुत उक्सान डैम और उक्सान लेक दिखाए थे, पर दैट वाज फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द डैम. और आते वक्त जैसे मैंने आपको दिखाया कि काफ़ी रिसोर्ट्स इस जगह पे देखने को मिलते हैं. तो डेफिनेटली दिस प्लेस इज़ वेरी गुड एनफ टू स्पेंड सम टाइम ओवर द वीकेंड और सम टाइम ड्यूरिंग द रेनी सीजन और विंटर टाइम, क्योंकि रिसोर्ट्स है यहाँ पे तो डेफिनेटली लोग आते जाते रहेंगे. तो जैसे मैंने आपको बता रहा था कि काफ़ी बारिश की वजह से ये लेक पूरा पानी से भर गया है और बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वी आर नॉट सपोज टू गो अप टू द वाटर फ्रंट. तो ये थोड़ा ऑफ रूट है यहाँ पे, तो मैं एक्चुअली थोड़ा कोशिश करता हूँ थोड़ा अंदर जाके लेक का जो व्यू है उसको लेने के लिए. तो फिलहाल आज के लिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ. तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे बताना कि आप इस जगह पे एक्सप्लोर करने के चाहते हो कि नहीं, और इफ़ यू नीड एनी स्पेसिफिक असिस्टेंस लाइक हाउ टू कम टू दिस प्लेस, इन विच टाइम ऑफ द ईयर दिस प्लेस इज़ ब्यूटीफुल टू एक्सप्लोर, तो डेफिनेटली मेरे कमेंट सेक्शन में आप बताना. और इस जगह का रूट मैप मैं डेफिनेटली दे दूँगा फ्रॉम द लोकेशन ऑफ पुणे सिटी टू दिस उक्सान विलेज एंड उक्सान लेक. So hopefully I'll try to see you in my next vlog very soon. So till that point of time, I'm signing off from this Uksan Lake, Uksan Village, and thank you for watching once again.